हमारे संविधान में है यूसीसी, क्यों पर्सनल लॉ बोर्ड पर पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे? जगह हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम, मुस्लिम सीटों पे लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने आपस में। अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की स्वतंत्रता करेंगे, देश में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी, मुसलमान छात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगी कि दिमागी और नैतिक दिवालियापन ऊपर से नीचे तक। कमलनाथ से बड़े नेता अगर ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर नहीं मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, इनके लिए माइनॉरिटी मुसलमान है, हमारे लिए माइनॉरिटी वो वर्ग है जिनका रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कर्नाटक में आप सिर्फ, लेकिन कर्नाटक में आप सिर्फ मुसलमानों को 4% आरक्षण देते हैं। सरकार बनेगी हम इनकी तरह पकौड़ा तलने की सलाह नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है मुसलमान छात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, मुसलमानों को सिर्फ क्यों देंगे? भारतीय जनता पार्टी झूठी फरेबी जुमलेबाज फेकू कहते हैं। हमने राजस्थान, कर्नाटक का प्रश्न मुश्किल है क्या? कर्नाटक का जवाब है सुप्रिया, मुझे ये बता दीजिए कर्नाटक का जवाब है आपके पास? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, न्यूज एंकर गरिमा सिंह और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा के बीच में। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। अब दोस्तों अगर उस मैनिफेस्टो से ऊपर से कांग्रेस का नाम हटा दिया जाए तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या फिर भारत का विभाजन करवाने वाली मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, क्योंकि उसमें एक उच्च लेवल पे ही मुस्लिम तुष्टिकरण किया गया है। अब इसी को लेकर चल रही डिबेट में जब एंकर ने कांग्रेस पार्टी से पूछ लिया कि आपके मैनिफेस्टो में सब कुछ मुस्लिमों के लिए ही क्यों है और कर्नाटक में आपकी सरकार आने के बाद आपने मुस्लिमों को 4% आरक्षण दे दिया लेकिन बाकी किसी को नहीं दिया, अब इस सवाल के जवाब में मैडम ने सारे जहान की कहानी सुना दी लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे होगा अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। आज कौन सी मजबूरी है कि आपके एक अलाई, एक मिनट अब सुन लीजिए, आज कौन सी मजबूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस का अलाई है वो कहता है ये खुलेआम धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, कर्नाटक में केरला में धर्मांतरण बढ़ रहे हैं, ये केरला के चीफ मिनिस्टर कहते हैं और आपके कहां आप तब भी अलाई बन के चले रहते हैं। वो कहता है कि राहुल गांधी की नामांकन यात्रा में मुस्लिम लीग कहती है कांग्रेस के झंडे नहीं लगेंगे, नहीं तो हमारे झंडे भी लगेंगे, और कांग्रेस अपना झंडा नहीं लगाती है, आप उस पे सवाल नहीं उठा रही है। और वो महबूबा मुफ्ती, वो महबूबा मुफ्ती जो आतंकियों को एक बार हो गया विभाजन का दंश झेल चुके, अब हम विभाजन का दंश झेल चुके, अब कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे, एक मिनट, अब कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे चले तो फिर विभाजन का दंश झेलना पड़ेगा। इनके एक एमपी ने क्या कहा कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए, उस पर तो आप कोई डिबेट नहीं, गरिमा सिंह ने सवाल नहीं पूछे, कांग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज क्यों करना चाहिए? ठीक है संविधान हमारा यूसीसी की बात करता है तो फिर पर्सनल लॉ को प्रमोट क्यों करना चाहिए? जवाब देंगे आप? हमारे संविधान में है यूसीसी, क्यों पर्सनल लॉ बोर्ड पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे? जवाब है कांग्रेस के पास, दे जवाब। ये देश सबका है, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है। सिर्फ मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे रग रग में है, यही कांग्रेस की रग रग में है, यही घमंडियों के रग रग में है। देखिए हर जगह हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम, मुस्लिम सीटों पे लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने आपस में, सर फोड़ लेंगे, मुंह नोच लेंगे एक दूसरे का। ये बढ़िया था गुरु, गरिमा जी तभी मुस्कुराएंगे आराम से, मुरादाबाद का रामपुर में कैंडिडेट बदल गया, बड़ा दिक्कत है, बड़ा दिक्कत है। जहरीला जहरीला खाना खाना आपको शौक है, मुबारक हो, आप खाइए कांग्रेस का मैनिफेस्टो, हम देश को नहीं खिलाने देंगे, हम देश को नहीं खिलाने देंगे। सुप्रिया श्रीनेत, अब मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको, इतनी पुरानी पार्टी है आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी, आप कहेंगी अपने घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की स्वतंत्रता करेंगे, देश में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी, मुसलमान छात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगी, तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी टर्फ पर आना पड़ेगा जो टर्फ है नहीं आपकी। भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पर, इनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दो चीजें साफ कर दी कि दिमागी और नैतिक दिवालियापन ऊपर से नीचे तक, ढोंग और पाखंड, झूठ और फरेब, फेंकना और जुमले ऊपर से शुरू होते हैं नीचे तक आते हैं।
मस्त जोक मारा है। हमारे मैनिफेस्टो में छाप है सेना के उन जाबाज सैनिकों की जो सरहद पर बैठकर इस देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। हमारे लेकिन सुप्रिया, लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसा, कमलनाथ जैसे बड़े नेता, लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूं कि आपका घोषणा पत्र, आप कहते हैं 5 न्याय 25 गारंटी, लेकिन उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स निकालकर आप पर हमलों की बौछार भी है ना, और वो हमलों की बौछार क्यों नहीं होनी चाहिए? कमलनाथ जैसे बड़े नेता अगर ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर नहीं मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, यानी कि वो अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस कर रहे हैं तुष्टीकरण, तो आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस कर रहे हैं ना? उसी पर आ रही हूं, उसी पर आ रही हूं, और मैं यही प्रूफ कर रही हूं कि बीजेपी सारी की सारी, भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रचयन करता है। हमारे मैनिफेस्टो में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है, क्योंकि इनका दिमाग तंग है। पढ़ देती हूं, वी विल एनकरेज रिफॉर्म ऑफ पर्सनल लॉज, सच रिफॉर्म्स मस्ट बी अंडरटेकन विद द पार्टिसिपेशन एंड कंसेंट ऑफ द कम्युनिटीज इन्वॉल्व्ड। थोपर हम कहते हैं कि पर्सनल लॉज का रिफॉर्म होना चाहिए, हिंदी में है, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी। क्या गलत कहा हमने इसमें? मौलाना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलरशिप की, उसमें मुस्लिम्स को, उसमें सिख को, उसमें पारसी को, उसमें बुद्धिस्ट को, उसमें क्रिश्चियंस को मौका मिलता है। जाकर देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्कॉलरशिप का, क्या गलत कहा हमने? इनके लिए माइनॉरिटी मुसलमान है, हमारे लिए माइनॉरिटी वो वर्ग है जिनका रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कर्नाटक में आप सिर्फ, लेकिन कर्नाटक में आप सिर्फ मुसलमानों को 4% आरक्षण देते हैं सुप्रिया, सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? नहीं। मैं बताती हूं आपको ये मैनिफेस्टो है हमारा, न्याय पत्र इसका नाम है, इसके 5 स्तंभ हैं, और वो स्तंभ है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हम क्या कहते हैं? हम इनकी बनाई हुई हर बखेड़े को, इनकी बनाई हुई हर समस्या को, इनके बनाए हुए 10 साल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं। हमारा कहना है, और मुझे आप 1 मिनट का टाइम यहां पर जरूर दीजिएगा, हमारा कहना है हमारी सरकार बनेगी, हम इनकी तरह पकौड़ा तलने की सलाह नहीं देंगे, हम 30 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे, हम 1 साल का 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे हर ग्रेजुएट और हर डिप्लोमा होल्डर को, हम पेपर लीक के खिलाफ स्ट्रिंजेस्ट कानून बनाएंगे कि हाड़ कांप जाए, हम अपनी नीति को निकाल फेंकेंगे। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए ना, जो बहाल डॉक्टर अजय आलोक भी सुन ले, मुझे ये बता दीजिए कि अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान छात्रों के लिए आप सेक्युलर मुल्क मैं विश्वास रखती है, ऐसा मैं विश्वास रखती हूं, तो ये कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है मुसलमान छात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, मुसलमानों को सिर्फ क्यों देंगे? आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए जो कहती है ये भारतीय जनता पार्टी झूठी फरेबी जुमलेबाज फेकू कहते हैं। चुप। इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है, उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है। इस छात्रवृत्ति के अंदर बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, पारसीज आते हैं, सिख्स आते हैं, इनको पता ही नहीं है माइनॉरिटीज क्या है, इनको पता ही नहीं है कि प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर ये जो वापस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, कर्नाटक का जो रिजर्वेशन है, मुस्लिमों को 4% आरक्षण दे दिया आपने कर्नाटक में, बीजेपी आई उन्होंने खत्म कर दिया, क्यों करते हैं? उस पर भी आ रही हूँ 2 मिनट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उस पर भी आ रही हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं बात करूंगी अपनी, जिसके लिए ये बेउत्तर है, निरुत्तर है, इनके पास एक शब्द नहीं है। जी, हम नारी न्याय की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? महालक्ष्मी में गरीब परिवार की महिला मुखिया को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे, हम ये कर्नाटक और तेलंगाना में करके दिखा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे, हम मनरेगा का मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन बढ़ाएंगे, सुप्रिया जी इस पर मैंने डिबेट की मुझे, क्योंकि बाकी और मेहमान भी मेरे साथ हैं, लाएंगे जो हमने राजस्थान कर्नाटक का प्रश्न मुश्किल है क्या सुप्रिया? अरे 1 मिनट रुक जाइए, ये जरूर कहते हैं कि चाहे वो मणिपुर हो, समस्या का समाधान करेंगे, एक अनुभाग बनाएंगे, हम कहते हैं हम पुद्दुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आंध्र को स्पेशल टेस्ट देंगे और जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। सुप्रिया मुझे मेरे पास भी समय की बाध्यता है, मैनिफेस्टो कर्नाटक का जवाब है सुप्रिया, मुझे ये बता दीजिए कर्नाटक का जवाब है आपके पास? बीजेपी के पास, हाँ बिल्कुल है कर्नाटक का जवाब दे दीजिए कि अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप क्यों 4% आरक्षण, हमारे मैनिफेस्टो में किसी भी 4% आरक्षण मुसलमानों को क्यों देंगे आप कर्नाटक का?
आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी। मैंने पूछा सवाल, तीन बार पूछ। ये हमारा मैनिफेस्टो है और हमारे मैनिफेस्टो में पूरी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा जैसी प्रखर प्रवक्ता अगर कर्नाटक पर बोले, ये दंश ये देश सहराए, ये असलियत है। ठीक है, कर्नाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रखर प्रवक्ता। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।